आप सभी बच्चों का बीएससी सेकेंड ईयर इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप सारे बच्चे जान रहे हैं कि आप सभी बच्चे प्रमोट हो चुके हैं और सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ था और बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, कोविड से सारे लोग परेशान हुए। तो भाई आप इतना लंबा घर पे रहें, ठीक है, तो भाई आगे की पढ़ाई तो जारी रखनी ही है हम लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होने ही होने हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सिस्टम ने ये फैसला लिया कि आप सभी को जो है अगर ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ऑनलाइन क्लास में डायरेक्टली आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपका क्लास रखा जाएगा, उस क्लास में आप डिस्कशन कर सकती हैं, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर ओपन रहेगा तो आप मैसेज करके पूछ सकती हैं, बट एक क्लास आपका रखा जाएगा लाइव, आप पूछ सकती हैं वहाँ पे। और आप सबको ये पता ही है कि भाई बीएससी के जो मार्क्स होते हैं वो हर सेमेस्टर के मार्क्स पे वो डिपेंड करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर का लोगों ने एग्ज़ाम दिया नहीं तो नहीं, पूरा का पूरा हमारा फर्स्ट ईयर का जो डिपेंडेंसी आ गई हमारे थर्ड सेमेस्टर पे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी को थर्ड सेमेस्टर को थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कोशिश करें आप सब नंबर ले आएँ। वैसे भी आप बहादुर हैं और आप मेहनती भी हैं, ठीक है, थोड़ा लापरवाही आपसे हो जाती है, लेकिन कोशिश ये रहे कि आप थोड़ा लापरवाही कम करें और थोड़ा सा फोकस करें यहाँ पे, ताकि आप अच्छा नंबर गेन कर सकें, ठीक है। क्योंकि भविष्य में हम सभी, मतलब आप सभी को इंडिपेंडेंट रहना है तो भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानती हैं कि मैथमेटिक्स में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने तीन पेपर पढ़े थे, उसी क्रम में सेकेंड ईयर में भी जो थर्ड सेमेस्टर उसमें भी आपको तीन पेपर ही पढ़ने हैं, लेकिन ये तीन पेपर थोड़ा सा जो भाई पहले पढ़ा था उसे तो कुछ तो सेकेंडर में है तो थोड़ा कुछ तो एडवांस होगा, कुछ लेंथी होगा, बट देखिए आपकी समझ भी बड़ी उसी के साथ साथ, तो आप कर लेंगे अच्छा कर लेंगे, ठीक है, बस आपको थोड़ा साइंस टाइम देना पड़ेगा। तो इन तीन पेपर में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, तो पहला पेपर है आपका लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, दूसरा पेपर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, तीसरा पेपर आपका मैकेनिक्स है, ठीक है। और तीनों अच्छा है, तीनों इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हम सभी को लर्निंग की दृष्टि से पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। एग्जाम्स तो होंगे ही, एग्जाम्स तो एक कैलकुलेशन होता है हमारे नॉलेज का। तो सबसे बड़ी बात है कि हम सभी को ये देखना है कि हम जो उस टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका हमको नॉलेज कितना है, क्योंकि अगर आप उसका बेसिक नॉलेज आपके पास है ना तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा क्रिएटिव बनेंगे तो थोड़ा और बेटर होगा। क्रिएटिव का मतलब होता है कि उस टॉपिक समझने के बाद आप खुद पे निर्भर होकर कुछ क्वेश्चन को करें, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं, तो लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन और मैकेनिक्स, ठीक है। और देखिए मैकेनिक्स जब भी आपका थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हर पेपर को बांट दिया गया है, तो अभी इस सेमेस्टर में आपको मैकेनिक्स मैट्रिक्स पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा में, और अगले सेमेस्टर में आपको पढ़ना होगा वेक्टर स्पेस, ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। और डिफरेंशियल इक्वेशन में दो होता है, ऑर्डिनरी और पार्शियल, लेकिन इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है केवल ऑर्डिनरी। और मैकेनिक्स में भी आपके तीन पेपर है, मैकेनिक्स में भी आपके चार यूनिट है, ठीक है, बट उसमें से भी जो मैकेनिक्स का बुक करते हो उसमें से आपको करीब करीब आधा पढ़ना है, ठीक है। तो यही है, ज्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं है, आप चाहें तो इस सेमेस्टर बहुत अच्छा नंबर गेन कर सकती हैं, और आप तो चाहेंगे ही, तो मेहनत करते रहिएगा। आइए सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। देखिए मैट्रिक्स की संकल्पना, हालांकि क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो जैसे अब हम लोग आमने सामने तो बहुत सारी बातें हो जाती है, आपसे पूछता रहता हूँ, चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी इसका सबका एक संक्षेप में ये बात की जाए कि मैट्रिक्स की संकल्पना जो है शुरू में की गई, तो मैट्रिक्स जो है ना एक, पहले देखिए मैट्रिक्स कैसा हुआ करता था। मैट्रिक्स जो जनरली बहुत, आप अगर हिस्ट्री में थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा सा बस एक तरह का गिनती जब करते थे ना तो उसको सजा वजा कर रखते थे, तो उसी को कहा जाता था, ठीक है। बाद में जो सजा कर, जैसे मान लीजिए ऐसे भी सजा के हम रख रहे हैं, ऐसे कुछ सजा के रख रहे हैं, राइट, सजा के, ये भी देखिए अच्छा दिखने में लग रहा होगा आपको, लेकिन इनके अगर नंबर को काउंट करेंगे ना थोड़ा सा आपको वो आसानी कम होगी, मतलब थोड़ा सा टफनेस रहेगा। लेकिन इन्हीं को अगर आप ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, तो आपको इनको काउंट करने में और इस पे कुछ ऑपरेशंस करने में थोड़ा ज्यादा आसानी हो जाएगी।
तो बहुत मॉडिफाई होने के बाद जो है क्या मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो दिया गया, मैट्रिक्स का डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं वो ये है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है ना, एलिमेंट्स और नंबर्स, ठीक है, एक नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर मतलब रोज, रेक्टेंगल रोज एंड कॉलम्स, देखिए ये रो रेक्टेंगुलर मतलब क्या, आयत, रेक्टेंगल जनरली आप जानते हैं, तो रोज और कॉलम्स में जो इसका अरेंजमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एम एन नंबर्स विच अरेंज इन एम रोज एंड एन कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और दूसरी बात, इसको एक और डेफिनेशन से आप कह सकते हैं अ रेक्टेंगुलर एरे, एरे मतलब सजावट, सजा के रखना, यानी अ रेक्टेंगुलर एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। और जानती हैं मैट्रिक्स के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं, जैसे आपको इनको रखना, जैसे इनके प्लेस पर कोई नंबर होगा तो इनको आप ऐसा रख सकते हैं, ये भी देखिए मैट्रिक्स का सिंबल है, ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है, और देखिए ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है, पहले पहले यूज होता था मैट्रिक्स का सिंबल, ये भी यूज होता था, ये मैट्रिक्स का ये भी सिंबल है, और अभी आप मैट्रिक्स का सिंबल ऐसा यूज करते हो, तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स की बात होती है तो मैट्रिक्स हम लीनियर अलजेब्रा में क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, और तो इसका जवाब ये होगा कि जैसे देखिए फिजिक्स में आपने पढ़ा था ना कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें, ठीक है, किसकी होती जानकारी पता करनी होती है कि किधर की तरफ जा रहा है और किस हिसाब से जा रहा है, किस हिसाब से मतलब परिमाण, और किधर की तरफ जा रहा है मतलब क्या डायरेक्शन, केवल जाना और ऐसा नहीं है, जहां पे दो बातों का ज्ञान, एक क्या हो, एक कॉन्सेप्ट हो कितने से और एक कॉन्सेप्ट हो क्या, राइट। तो जैसे वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर जो है वो कितना, ठीक है, और किस से या क्या मतलब पर सेकेंड से, यानी पर सेकेंड वो 5 मीटर जाएगा, यानी अगर ट्रेवल करना हो तो दिमाग में आ जाएगा अगर 10 सेकेंड बीता आपकी घड़ी में तो आप कहेंगे भाई 50 चला गया, तो ये 50 परिमाण हो गया, और किधर की तरफ जाएगा वो भी आपको पता चल जाएगा अगर डायरेक्शन हो तो वहां पे ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उसे आपने वेक्टर बोला, उस तरह मैथमेटिकल क्वांटिटीज में भी ये होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, ठीक है ना। तो क्या देखिए, अब मैंने मैथमेटिकल क्वांटिटी वर्ड बोला, यानी मैथमेटिक्स के ब्रांचेस में जो है हम लोग ऐसे यूज करते हैं टर्म्स, जैसे मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ये सब क्या है, या जैसे आर क्यूब आर के एलिमेंट, मतलब अगर मैं आर क्यूब आर बोल दूं, आर क्यूब आर बोल दूं, इसका मतलब x1 x2 x3 हो गया, है ना, तीन तीन कंपोनेंट हो जाएंगे ना, यानी स्पेस के पॉइंट हो गए, तो क्या स्पेस के पॉइंट को आप एक दूसरे से तुलना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में ट्रैपोज तो यही होता है ना, क्या वेक्टर का आप कंपेयर करती हो, क्या आपने वेक्टर का कंपेयर किया था कि वेक्टर ए बड़ा है वेक्टर बी से, ऐसा नहीं किया था, मॉड में लेकर के तब कंपेयर किया था, पहले आपने कंपेयर नहीं किया होगा। उसी तरीके से इसके जो है, जैसे ये स्पेस है, तो स्पेस में जो पॉइंट्स हैं जो आपके दिख रहे हैं, जैसे x1 x2 x3 और y1 y2 y3, ये स्पेस में पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो क्या आप बता सकती कौन किससे बड़ा है, नहीं बड़ा बता सकती, तो इसका मतलब इनको कंपेयर नहीं कर पाएंगे आप, तो अगर ये कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब ये वेक्टर है, ठीक है, इसका मतलब इनके दो दो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन सा, कि ये परिमाण इनका और ये कहाँ है, तो कहाँ है तो दिख ही रहा है कि x से x1 दूरी पर, y से y1 दूरी पर और z से z1 दूरी पर, सॉरी x से x1 दूरी पर, y से y, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, x1 y1 z1 तो आपको बेटर लगेगा, तो x से x1 दूरी पर, y से y1 दूरी पर, z से z1 दूरी पर, ये उसकी दूरी हो गई, और कितना दूर हो गया, x1² + y1² + z1², ये इतना दूर हो गया, तो ये हो गया उसका परिमाण, यानी कितना दूर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे,